हजारों पिता हैं जिन्होंने अपनी औलाद को खोया है और यह लगातार होता आ रहा है। हमें सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में 3 ट्रेनों का एक ही समय पर एक ट्रैक पर आ जाना और दुर्घटनाओं का होना किस हद तक की गई लापरवाही है। इन पुराने खटारा डब्बों को सुरक्षित नहीं कर सकते, मौजूदा ट्रेन को सही से नहीं चला सकते, उसकी व्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं और लोगों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं। इन हादसों का कभी कोई जिम्मेदार हुआ है? क्या हम इंसान की जान इतनी सस्ती है? क्या आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं? क्या हमें वाकई में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है या पहले अपने भारतीय रेलवे सिस्टम को बेहतर कर आम जनता के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना सबसे पहला काम होना चाहिए? अब तक 300 के आसपास लोगों की जान चली गई है और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं, यह तो सरकार का डाटा है। इसके अलावा और कितने हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं? जो सरकार बुलेट ट्रेन का सपना बेचती है वो मामूली ट्रेन का संचालन भी नहीं कर पा रही है। सब भगवान भरोसे, उसी के नकारा व्यवस्था ने निर्दोष निरीह लोगों की जान ले लिया है। लेकिन देश के हुक्मरानों पर इन लाशों और बहते खून, चीखते रोते हुए लोगों के दुख और आंसू का कोई असर नहीं है। यह रेल दुर्घटना इस सदी का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना है जिसमें लोग मरे नहीं हैं, बल्कि खराब सिस्टम के ने इनकी हत्या की है। भारतीय रेलवे में हमेशा से हादसे होते रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद 2014 के बाद रेलवे दुर्घटना तेजी से बढ़ी है। लेकिन सरकार इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय बुलेट ट्रेन का सपना बेच रही है, जो अगर आ भी जाए तो एक आम आदमी को उसका कोई लाभ नहीं होगा। जिस ट्रेन पर भारत की सबसे ज्यादा आबादी सफर करती है या कहें कि गरीब और मिडिल क्लास सफर करती है, उस ट्रेन की हालत बद से बदतर है। ना तो ट्रेन के अंदर की व्यवस्था ठीक है, न ही ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। रेलवे की ये जर्जर व्यवस्था हमेशा लोगों की जान लेती रहती है। कंफर्म टिकट तो दे दिया जाता है, लेकिन अंदर कीड़े मकोड़ों की तरह सफर करने के लिए गरीब और मिडिल लोगों मजबूर हैं। इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह बना दी गई है, इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं। सरकार बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय ट्रेन की जिम्मेदारियों से भाग रही है और एक सीट की जगह पर 3 सीट का टिकट बेच अपना मुनाफा छाप रही है। 70 सीट की जगह पर 300 लोग सफर करते हैं, लेकिन सत्ता को क्या? लोग जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया ने भी अब इस मुद्दे को दबा दिया है, कहीं कोई खास चर्चा नहीं है, सरकार से तो सवाल बिल्कुल ही नहीं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जिन्ना में लगी है। मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि रेलवे की इस जर्जर व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। हजारों लोग जो मारे जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय रेल, जिसका भारत की बड़ी आबादी इस्तेमाल करती है, उसकी जर्जर हालत कब ठीक होगी? सरकार सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए है या लोगों के जान की जिम्मेदारी भी लेगी? खैर, मेनस्ट्रीम मीडिया सवाल पूछे ना पूछे, हम तो बेबाकी से सवाल पूछते रहेंगे। शुक्रिया। आप देख रहे थे डी स्टडी ऑफिशियल।